जो माँ के भगत हैं उन सब पर माँ बहुत बहुत कृपालु है, बहुत बहुत दयालु है। कई वर्षों से हमारे बुजुर्गों से भी पहले से, बड़े बुजुर्गों से, यहाँ एक मेला लगता आया है जिसको हम वैसे कहते हैं चांदनी चौदस। आने वाले सभी यात्रियों का यहाँ पर स्वागत है और इस मेले की शोभा बढ़ाने के लिए सबको हम आमंत्रित करते हैं। जय माता दी। साल में ये जो माघ के महीने में चौदस का दिन है वो एक ऐसा दिन होता है जिसमें हम पारिवारिक प्रोग्राम को एक बड़ा रूप स्वरूप देने के लिए एक सारे समाज का मेला करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है 18, 19, 20 का। तो 19 का जो मेन चौदस के दिन का वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम को मनाने के लिए हम अपने जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको पूरी तरह अपनाएंगे, उसके साथ साथ लोगों का पूरा इस बात का ध्यान रखा जाएगा। तो हमारे पास इतने लोगों की अच्छी ये टीम है कि ये सारा प्रबंध इनके हाथों में है और हम सारा प्रबंध कर रहे हैं। माता की कृपा से हमारा ये प्रोग्राम जैसे आगे होता रहा है और वैसे ही सफल होगा। और हमारे सिख भाइयों में इसकी श्रद्धा बहुत ही खास है। माता की ऐसी कृपा है कि जो भी श्रद्धालु जहां आया है वो निराश नहीं गया। तो आपने कैसा प्रबंध किया ताकि दर्शकों को पता लगे कि हम कैसे आए, और हमें उम्मीद है कि इस साल, पिछले साल तो हम नहीं कुछ बुला सके थे, इस साल बहुत श्रद्धालु हमारे पास यहाँ आने वाले हैं और खूब माँ के दरबार में रंग जमने वाला है। रात को जागरण 19 तारीख के पूरा दिन के प्रोग्राम है, 20 तारीख को नामकरण या मुंडन के प्रोग्राम होते हैं, वो सब प्रोग्राम बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाए जाएंगे। तो ये मेरे लाइफ में तबका था कि जब लोग यहाँ पे निकलते नहीं थे शाम को 6 बजे के बाद, तो रात्रि 12 बजे तक हमने यहाँ भावना कीर्तन किया और तब से यहाँ पे कभी रुका ही नहीं। माता के दरबार में माता ने इतनी शक्ति दिखाई और तब से लगातार इतना आतंकवाद का दौर चला, लेकिन इस भवन में कभी कोई आँच नहीं आई, कभी किसी को कुछ हुआ नहीं और भक्ति भावना चल गई। तो हजारों साल में इसको मेंटेन करना और इतना भव्य मंदिर बनाना, ये कैसे आपके ट्रस्ट ने बनाया? एक बार तो इस दरबार पे आके देखिए कि आपको क्या कुछ मिलता है। आपको इधर उधर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। इस दरबार पे जो मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मेरा अटूट विश्वास है इस बात के लिए। 10 फुट, 11 फुट, 12 फुट गहरी खाई में गिर गई और वहाँ पर खंबे ट्रांसफार्मर लगे हुए थे, बिजली से उसके टकरा गए। उस सारे फीट में टोटल सिर्फ जो ड्राइवर था बेचारा उसकी बाजू टूटी, मुझे और मेरी वाइफ को खून लकड़ी आई क्योंकि हम सराहना रहे थे और माता रानी का हमने भजन कर रहे थे रस्ते में, तो उसने हमें बचाया कि इतना बड़ा ग्रह आया था जो टल गया। आज हिंदुस्तान के भव्य मंदिर में हम पहुंचे हैं। ये पंजाब में सरहिंद में स्थित है। जग जननी गरुड़ वाहनी माँ चक्रवेश्वरी का मंदिर है जहाँ हम पहुँचे हैं। यहाँ हर साल मेला लगता है दशहरे के कहते तीसरे दिन के बाद, ऐसी परंपरा है। हजारों साल पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर में बहुत सी मान्यताएं हैं और बहुत से चमत्कार हुए हैं। माँ जगजननी जिनको पुत्र रत्न की, जिनको प्रार्थना करते हैं जाके, उनको पुत्र का रत्न रूप देते हैं महामाई। और महामाई कितनी दयालु है आप जहाँ आओगे तो तभी पता लगेगा। लेकिन आज हम आप पहुंचकर आपसे इस मंदिर के ट्रस्टियों के साथ, ट्रस्ट के साथ आपसे मिलवाना चाहेंगे। सबसे पहले जो परंपरा चली है, अभी आने वाले समय में जो जहां मेला होगा उसके बारे में जानकारी देंगे, फिर हम बात करेंगे आगे। सबसे पहले प्रधान जी, स्वतंत्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेन्द्र जी, जय माता जी, जय माँ चक्रवेश्वरी। आप क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे?
हमारे यहाँ इस प्राचीनतम भव्य तीर्थ पर माँ चक्रेश्वरी देवी, जैसे आपने भी बताया, बहुत चमत्कारी हैं। जिसकी आस्था है, जिसको विश्वास है, जो माँ के भगत हैं, उन सब पर माँ बहुत बहुत कृपालु है, बहुत बहुत दयालु है। यहाँ हर की मन्नत पूरी होती है और ये उत्तर भारत में सबसे जैन तीर्थों में प्राचीनतम तीर्थ है, पंजाब में खासकर। तो हर वर्ष कई वर्षों से, हमारे बुज़ुर्गों से भी पहले से, बड़े बुज़ुर्गों से, यहाँ एक मेला लगता आया है जिसको हम वैसे कहते हैं चांदनी चौदस। हाँ जी, तो उस चौदस के दिन यहाँ पर सर्वप्रथम माँ का दरबार का द्वार खोला जाता है, दर्शन किए जाते हैं, ध्वजा लहराई जाती है और प्रसाद बांटा जाता है। बहुत से आसपास के लोगों से, और लोग भी, खाली जैन लोग नहीं, बहुत से लोग आते हैं और सबके लिए यहाँ खुला लंगर है। सब लोग, वैसे भी हमारी जो संस्था है माता श्री चक्रेश्वरी देवी तीर्थ प्रबंधक कमेटी रजिस्टर्ड है, तो सारे चैरिटेबल काम होते हैं यहाँ। किसी भी को भी, लंगर भी सारा दिन चलता है जैन मान्यताओं के अनुसार, सूर्य छिपने से पहले और सूर्य चढ़ने के बाद। प्लस हमने कई स्कूल अडॉप्ट किए हुए हैं, गरीब बच्चों को, हम विद्यार्थियों को उनकी किताब में, उनकी जर्सियाँ, उनकी फर्नीचर, जो भी स्कूल का फर्नीचर हो, ज़रूरत अनुसार गरीब बच्चों के लिए है वो, और जेन्युइन बच्चों को दिया जाता है। और भी जग भलाई के बहुत से काम हो रहे हैं। अभी जन औषधि केंद्र भी खोल रहे हैं हम, जहाँ जेनरिक दवाई जो नॉर्मली बाज़ार में 100 रुपए की मिलती है तो 20-22 रुपए की मिल जाएगी, 15 रुपए की मिल जाएगी। तो और कुछ कवर्ड चीज़ें हैं, जैसे विधवाओं के लिए हम सहायता करते हैं, तो सारे जग भलाई के काम हैं। तो माता के दरबार में सब लोग समान हैं। मैं और मेरी सारी टीम, हम एक परिवार के रूप में माँ की सेवा कर रहे हैं और आने वाले सभी यात्रियों का यहाँ पर स्वागत है और इस मेले की शोभा बढ़ाने के लिए सबको हम आमंत्रित करते हैं। जय माता दी। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं पीयूष जैन जी, जो शुरू से ही बहुत इस जैन समाज की तो सेवा कर ही रहे हैं और इस चक्रेश्वरी मंदिर के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, इनकी बहुत आस्था है। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेंद्र जी और जय माता दी। क्या कहना चाहेंगे आज, अभी आपका जो पर्व आ रहा है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जय जिनेंद्र जी, ये पर्व हमारे लिए बहुत ही विशेष पर्व है, हमारे जैन समाज के लिए और सभी श्रद्धालुओं के लिए जो माता के भगत हैं। ये दशहरे के बाद माघ के महीने में जो हमारी चौदस का दिन होता है, उस दिन ये पर्व मनाया जाता है। वैसे हमारी परंपराओं के मुताबिक हम सभी परिवार, और ये एक खंडेलवाल परिवारों की ये प्रथा है और बाकी भी सारा समाज इसके साथ जुड़ा हुआ है, कि हम हर महीने चौदस वाले दिन एक अपने पारिवारिक तरीके से माँ के लिए, माँ के आगे अरदास करते हैं, अपनी माँ को एक धन्यवाद करने के लिए, माँ का एक आशीर्वाद लेने के लिए हम एक पाठ रखते हैं। तो वो हर महीने एक पारिवारिक प्रोग्राम होता है, लेकिन साल में ये जो माघ के महीने में चौदस का दिन है, वो एक ऐसा दिन होता है जिसमें हम पारिवारिक प्रोग्राम को एक बड़ा रूप स्वरूप देने के लिए एक सारे समाज का मेला करते हैं। तो वो मेला हर साल इस दिन मनाया जाता है, तो उसी के एक ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए हमने वैसे कुछ पिछले 2 सालों में, क्योंकि कोरोना का चल रहा था एक ऐसा दौर जिसमें हम इकट्ठ नहीं कर सकते थे, तो लेकिन फिर भी हमने एक बहुत सीमित तरीके से एक पिछले साल इसी वार्षिक उत्सव को मनाया और बहुत हम सफलतापूर्वक उसको मना सके। इकट्ठ भी नहीं किया, लेकिन लोगों को माता का दर्शन भी हुआ और मेले का लाभ भी मिला। वो मेला एक मेले के रूप में नहीं था, लेकिन फिर भी जो एक मन में श्रद्धा होती है,
यहाँ इस तीर्थ में आके अपनी प्रार्थना करना, अपने अपने आके प्रेयर्स करनी, वो कर सके, दर्शन कर सके। तो लेकिन इस साल हम भगवान का शुक्र करते हैं, माता की कृपा है कि वो कोरोना काल से हम अब बाहर आ गए हैं। तो अब हमने इस साल इस वार्षिक उत्सव को मनाने के लिए जो 19 अक्टूबर को आ रहा है, तो उस ये हमारा प्रोग्राम है 18, 19, 20 का। तो 19 का जो मेन 14 के दिन का वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम को मनाने के लिए हम अपने जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको पूरी तरह अपनाएंगे। उसके साथ साथ लोगों का पूरा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी तरह की किसी कोई ऐसी बात ना हो कि हमें जो वो दुविधा फिर दोबारा ना आ सके। तो उसको सारे को देखते हुए हमारी सारी टीम है, प्रधान जी ने आपको बताया है, तो हमारे कैशियर साहब हैं अश्विनी जैन जी, प्रदीप जी जनरल सेक्रेटरी हैं, तो बाकी हमारे ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी हैं नवीन जैन जी हैं, तो हमारे पास इतने लोगों की अच्छी ये टीम है कि ये सारा प्रबंध इनके हाथों में है और हम सारा प्रबंध कर रहे हैं। तो उस प्रबंध को करते हुए हम ये प्रोग्राम 18, 19, 20 का वो करेंगे, और जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे उनके खाने का बंदोबस्त, उनके ठहरने का बंदोबस्त, उनके यहाँ पे बिल्कुल धर्म के सभी जो उनके नियम हैं उनके मुताबिक उनके अरेंजमेंट्स और प्रोविजंस बनाने का बंदोबस्त हम पूरी तरह तरीके से करेंगे। हमारे पास बहुत अच्छे महानुभाव, महान हस्तियाँ इस प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट और अच्छे गेस्ट ऑफ ऑनर्स वो सब ने अपनी अपनी जो सहमति दी हुई है वो भी आएंगे, और माता की कृपा से हमारा ये प्रोग्राम जैसे आगे होता रहा है और वैसे ही सफल होगा। और इसमें एक ख़ास बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये तीर्थ हम सभी जैन समाज के अनुयायियों के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी बहुत ही एक मर्यादा पूर्वक, एक श्रद्धा पूर्वक तीर्थ है, और हमारे सिख भाइयों में इसकी श्रद्धा बहुत ही खास है, क्योंकि इस तीर्थ के साथ वो नाम जुड़े हुए हैं जैसे हमारे टोडरमल जैन थे। टोडरमल जैन जी के काल में उस टाइम जो साहबजादों के अंतिम संस्कार के लिए जब मुग़ल यहाँ का जो था शासक था उसने ये शर्त रख दी, वज़ीर ने ये शर्त रख दी कि साहबजादों का अंतिम संस्कार जो आपने करना है उसके लिए जितनी ज़मीन चाहिए वो ज़मीन आपको ख़रीदनी पड़ेगी। और वो कैसे ख़रीदनी है कि उस ज़मीन जितनी आपको चाहिए उस पर आपने अशर्फियाँ अपनी जो हैं सोने की बिछानी है, और जितनी सोने की अशर्फियों में वो जगह आएगी वो आपको मिल सकेगी। तो दीवान टोडरमल जैन उन्होंने कहा कि मैं ये काम करूँगा। उन्होंने सोने की अशर्फियाँ अपनी वहाँ पर बिछाई, और जब बिछने के बाद वो वज़ीर फिर बिटर गया। उसने देखा ये तो सोने की अशर्फियाँ बिछा दी टोडरमल जैन जी ने, तो उसने कहा कि नहीं, ये अशर्फियाँ जो हैं आपने बिछा के लिटा के रखी हैं, ये लिटा के नहीं रखनी, ये खड़ी करके रखो। उसने ये शर्त इसलिए लगाई कि शायद वो समझता था कि ये पूरी नहीं कर सकेंगे। तो टोडरमल जैन ने वो अशर्फियाँ और बंदोबस्त करके और अपने खजाने से निकाल के खड़ी करके अशर्फियों को बिछाया और वो जगह ली, उस जगह पे अंतिम संस्कार किया साहेबजादों का, और वही जगह है जहाँ पे ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा आज स्थापित है, बना हुआ है, और इतनी श्रद्धा है। तो ये हमारे समाज में, जैन समाज में, दूसरे जो समाजों में और सिख समाज में ये एक ऐसा तीर्थ है जिसकी मान्यता दूर 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 तक फैली हुई है, और ये हमारे भारतवर्ष में ही नहीं अब तो पूरे विश्व में इस तीर्थ को एक महान तीर्थ का दर्जा मिल चुका है। माता की ऐसी कृपा है कि जो भी श्रद्धालु जहाँ आया है वो निराश नहीं गया, उसकी झोली में कुछ ना कुछ माता ने अपना दान आशीर्वाद दिया ही दिया है।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया जो महामारी आई थी उसके दौरान लोग महामारी के चरणों में नहीं आ सके, नतमस्तक नहीं कर सके, लेकिन आपने जैसे बताया भी हमने उनको माता के साथ बांधा था, क्योंकि आस्था और मन से जो प्रार्थना की जाती है तो मन से करते थे। इस बार जो आपने प्रबंध किया हुआ वार्षिक महोत्सव का, तो वार्षिक महोत्सव इस बार सब लोग जो भक्त हैं वो आ सकेंगे, तो आज हम जहाँ महामारी के मंदिर खड़े हैं तो आपने कैसा प्रबंध किया ताकि दर्शकों को पता लगे कि हम कैसे आए, और इस बार कोई पाबंदी नहीं है, और वैसे कोविड की जो जितनी भी जो लगी हुई है उसकी तो पाबंदियों में रहेंगे, लेकिन आपका जहाँ मंदिर में कैसा प्रबंध है, कैसा रहेगा, कोई इस बार बहुत उत्सुकता होगी, सबको हर्षोल्लास होगा कि इस बार हम साक्षात माता के दर्शन कर सकेंगे। ऐसा है कि हर साल की तरह जैसे यहाँ पे भगत गण आते हैं, तो इस दफ़ा भी हमने जो है मेले से पहले पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पे जो है फॉगिंग वगैरह करवाई जाती है, स्प्रे वगैरह जो एंटी कोरोना के होते हैं वो करवाए जाते हैं, ताकि आने वाले भक्त जो हैं सुरक्षित रहें, क्योंकि कोविड चला तो गया है लेकिन अभी भी लोगों को अंदेशा है कि शायद वो अभी फिर से अपना कोई रूप दिखाए। लेकिन हम तो माँ के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि काश ये चला जाए। तो ऐसा प्रबंध हमने किया हुआ उनके लिए, प्रॉपर सैनिटाइज करके हमने उनके बिस्तर कमरे और उनके बाथरूम्स वगैरह और सब जो है हमने प्रॉपर सफाई करा के रखे हुए हैं, और उसी तरीके से उनको हमने जो भी प्रोटोकॉल हैं गवर्नमेंट के कोरोना के लिए वो भी हम फॉलो करवाएंगे सारे, कि मास्क भी लगाना है और भी जो भी आपको थोड़ा सोशल डिस्टेंस वगैरह रखनी है, क्योंकि उस वक्त बहुत भीड़ हो जाती है, उसके लिए हमारे पास बहुत अरेंजमेंट है। तकरीबन 70-80 कमरे हैं हमारे पास जो हम श्रद्धालुओं के लिए उस दिन अलॉट करते हैं, रात को रुकते हैं, और रात को माँ की भक्ति चलती है, जागरण होता है, और उस जागरण में ये हॉल जो आप सॉरी देख रहे हो ये सारा फुल होता है, तो यहाँ पे एक पैर रखने की भी जगह नहीं होती, इतने भगतगण होते हैं, इतने माँ के यहाँ एक जोश और एक अलग ही नज़ारा उस दिन जो हमें देखने को मिलता है। तो वो हमारा जो है जागरण है उस दिन 18 की रात को, 19 को हमारा जो है फंक्शन है, सबसे पहले माता का द्वार उद्घाटन होगा, फिर पहला प्रसाद लगाया जाएगा, उसके बाद ध्वजा रोहन किया जाएगा। उसके लिए हम जो हैं जैसे बड़े बड़े मंदिरों में कई दफ़ा होता है बहुत महंगी महंगी बोलियां देते हैं, हमने एक यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट रखा हुआ है कि हम यहाँ पे लोगों को सारे समाज में उत्तर भारत में जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं सबको एक 200 रुपये का एक कूपन बांटते हैं, और उस कूपन का ड्रॉ हम यहाँ पे रखते हैं, जो ड्रॉ अभी 3 अक्टूबर को यहाँ पे होना है। उस ड्रॉ में जिसका भी पर्ची निकलेगा वो उस दिन माँ का पहले प्रसाद लेने का भागीदार बनेगा, उसका वही भाग्यशाली जो है उस दिन माँ को यहाँ प्रसाद लगाएगा। उसके बाद ऐसी पर्ची हम ध्वजा की भी निकालते हैं, तो वो ध्वजा भी उस दिन वही भाग्यशाली पुण्यशाली जो है वो चढ़ाएगा जिसकी पर्ची निकलेगी। के कहने का मतलब ये है कि एक 200 रुपये में जो बहुत छोटी सी अमाउंट है उसमें उसको बहुत बड़ा लाभ जो लाखों रुपये में लोगों को नहीं मिलता है वो मिलता है। ऐसा प्रबंध हमने रखा हुआ है मेले के लिए। बाकी मैक्सिमम हमने लोगों को बुलाने के लिए जो है अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और अपने ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू जो है हमने उनको मैसेजेस वगैरह और डेट्स वगैरह दी हुई हैं, और हमें उम्मीद है कि इस साल, पिछले साल तो हम नहीं कुछ बुला सके थे, इस साल बहुत श्रद्धालु हमारे पास यहाँ आने वाले हैं, और खूब माँ के दरबार में रंग जमने वाला है, और माता जी के यहाँ तो किसी बात की कमी ही नहीं है। कोई भी लोग सोच के आए, कोई भी लोग मन में धार के आए, और माँ तो फिर माँ तो माँ ही होती है, उसने तो देना ही देना है। आप माँ से कुछ भी मांगो, चाहे वो घर में हो, चाहे दरबार में हो, चाहे मंदिर में हो, मांगो तो सही, माँ का हाथ तो ऐसे रहता है, ये ले बेटा ये ले बेटा। तो ऐसी ही हमारी माँ है चुकेश्वरी माँ। लोग भक्तों की पुकार को आप मन से बस पुकार लगाइए, एक मिनट नहीं लगता पूरी होने में, तो ऐसा हमारी माँ के दरबार की महिमा है। बहुत हज़ारों का लाखों लोगों ने जो है अपनी मुरादें यहाँ पूरी की हैं, और बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, और सबका अरेंजमेंट हमने यहाँ पे रहने का, खाने का, पीने का सब अरेंजमेंट फुल है हमारा। और हम श्रद्धालुओं से यही प्रार्थना अपील करते हैं कि जितनी भी कोशिश हो आप कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो है माता के दरबार में पधारें और दर्शनों का लाभ लें,
18, 19, 20 तीन दिन हमारे यहाँ मेला है और 19 का विशेष 14 का जो महत्व है वो अभी पीयूष जी ने भी बताया, तो वो सारी बातें जो हमने फॉलो कर ली है। बिल्कुल 18, 19, 20 का बहुत महत्व है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें एक विशेष बात जो मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारे साथियों से विचार विमर्श चल रहा है, 19 तारीख को जिस दिन मेन मेला है, हम जो बाहर हमारी डिस्पेंसरी वाली बिल्डिंग है मेन गेट के पास मेन रोड पर, वहाँ पर एक फ्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं जिसमें जेनरिक दवाइयाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, ताकि कोरोना काल में लोगों को अगर भगवान ना करे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो इमीडिएटली उनको फर्स्ट एड मिल सके, मेडिकल एड मिल सके। और वैसे भी जो गरीब लोग आते हैं मेले के दिन, बहुत लोग आते हैं, उन सबको हम फ्री दवाइयाँ वितरित करेंगे। जय माता दी, सेहत का भी ध्यान रखा। वैसे तो कहा जाता है माँ चक्रेश्वरी सबकी, जो जिनकी भी कोई सेहत में प्रॉब्लम आती है, कोई भी किसी में दुख होता है, उसको हमेशा प्रार्थना करने से मिट जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे, जो जो आपका वार्षिक महोत्सव आ रहा है, इस बार कैसा आपको उत्साह है और लोगों में कैसा उत्साह, कैसा देखना चाहेंगे और आपकी तरफ से कैसे और प्रबंध क्या किए गए? इस वर्ष भरपूर उत्साह है, पिछले वर्ष हम की मुरादें पूरे नहीं कर सके जिस हिसाब से हम मनाना चाहते थे, इस बार भरपूर उत्साह है और बहुत उत्साह से मनाएंगे। हमारा 1000 साल से प्राचीन ये तीर्थ है, इस तीर्थ पे पुराने रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं उन्हीं के अनुसार बहुत हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया जाएगा। जैसा महासचिव ने, प्रधान जी ने, उपसचिव अपने प्रधान जी ने बताया है, उस हिसाब से 18, 19, 20 के प्रोग्राम होंगे और रात को जागरण 19 तारीख के पूरा दिन के प्रोग्राम है, 20 तारीख को नामकरण या मुंडन के प्रोग्राम होते हैं, वो सब प्रोग्राम बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाए जाएंगे। जैसे राजा जी है मेरे साथ खड़े, राजा जी हमेशा ही बहुत अग्रणी रहते हैं, हमेशा अगली पंक्ति में, जैसे कहते हैं, जैसे कोविड के दौरान भी सब लोग आगे होके जिन्होंने काम किया उनका नाम आता है, ऐसे इनका भी जो धर्म के अगर कोई बात होते सबसे आगे आते हैं, तो इनको बहुत श्रद्धा है माता के प्रति। क्या कहना चाहेंगे, आप कब से यहाँ आ रहे हो और क्या, बहुत से लोग कहते हैं चमत्कार हुआ है, क्या क्या चमत्कार हुए, कुछ तो लोगों को बताएं जरा, वो भी सुने जहाँ जहाँ क्या क्या चमत्कार होते हैं, माता को सिर्फ दर्शन करने से, माता को अपने मन से एक बार याद करने से चमत्कार हो जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं लगभग 42 वर्ष से यहाँ पे आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने दादाजी के साथ, जब आतंकवाद का बहुत बड़ा दौर था जी, तो यहाँ पे आया था जी। तो तब मुझे याद है वो यहाँ पे एक जागरण करना चाहते थे जी। तो यहाँ के जो ट्रस्टी थे उन्होंने तब बोला जी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आतंकवाद का दौर चल रहा है, तो हम यहाँ पे रात को किसी को रुकने की सलाह नहीं देते, अनुमति नहीं देते, लेकिन फिर भी अगर आपकी भावना है तो आप देख लो। तो तब मेरे दादाजी जो लाला रोशनलाल जैन होशियारपुर से हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे माता पे अटूट श्रद्धा है, तो ये माता अपने भक्तों की रक्षा करेगी। तो उस दिन हम दो बसेस लेके, ये जो चांदनी चौदस का दिन कहते हैं, तो मेरे दादाजी होशियारपुर से आए, और मुझे याद है तब यहाँ पे भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकी थी, तो हम बाज़ार से कुलचे और चने ला के ही उसकी एक व्यवस्था को हमने चलाया, और यहाँ पर रात को खूब भक्ति भावना हुई 12 बजे तक, और उस भावना में किसी तरह का कोई विघ्न, कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई। और गांव वाले भी हैरान थे कि इतनी रात को यहाँ पे इतनी संख्या में लोग बैठे हैं, और हमारे लोगों में कुछ होता भी है कि क्रेज सजधज के आने का, तो सब उस भाव से आए हुए थे माता के दरबार में, लेकिन सब कुछ माता रानी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे से हमने भक्ति की। और तब मैं बहुत छोटा था, इतनी समझ नहीं भी थी, लेकिन इतना पता था कि माता के दरबार में आए हुए हैं। और ये सारा चमत्कार एक ऐसा है कि वो सुबह गांव वाले बता रहे थे कि यहाँ पे तो कोई आता था तो कुछ ना कुछ हो जाता था, कभी कोई ले जाता था तो चीज़ वापस आ भी जाती थी, जैसा कि यहाँ से सुना हुआ है हमने। तो ये मेरे लाइफ में तब का था कि जब लोग यहाँ पे निकलते नहीं थे शाम को 6 बजे के बाद, तो रात्रि 12 बजे तक हमने यहाँ भावना कीर्तन किया, और तब से यहाँ पे कभी रुका ही नहीं। माता के दरबार में माता ने इतनी शक्ति दिखाई, और तब से लगातार इतना आतंकवाद का दौर चला, लेकिन इस भवन में कभी कोई आँच नहीं आई, कभी किसी को कुछ हुआ नहीं, और भक्ति भावना चल रही है। जय माता। कहते जहाँ माँ है, जहाँ माँ होती है वहाँ कुछ नहीं होता है, बिल्कुल आपकी सही बात है। हाँ जी, हाँ जी, प्रदीप जी कुछ कहना चाहते थे, मैं आता हूँ। प्रदीप जी, हाँ जी, क्या कहना चाहते, बहुत उत्सुक है, एक चमत्कार के बारे में बताना चाहते थे क्या? 4-5 साल पहले की बात है, तो मैं रात को जागरण में कंट्रोल जो है मेरे पास होता है, तो मेरे सामने मेरे मिसिज के साथ दीवार के पास एक फैमिली बैठी थी जी। तो वो उनसे बातें कर रहे थे, तो मैंने बाद में पूछा, मैं क्या कौन
थे जो आपसे इतनी बातें कर रहे थे, आप तो शायद नहीं जानते, कहते नहीं वो कोई नॉन जैन फैमिली थी। तो मैंने कहा, कहते वो माता के प्रति बहुत श्रद्धा है। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने जो छोटी सी एक बात बताई, मैं अभी आपको जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ कि उनके तकरीबन शादी के कोई 10-12 साल हो गए थे, कोई घर में आगे बढ़ोतरी नहीं थी। तो किसी को उन्होंने अपना वो दिखाया जन्मपत्री, और उसने बताया कि कोई माँ चक्रेश्वरी का दरबार है, तो आप वहाँ पे 40 दिन रोज़ एक फूल चढ़ाना है तो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। तो अभी बींग ए नॉन जैन उनको नहीं मालूम था कि माँ चक्रेश्वरी का दरबार कहाँ है। तो साल डेढ़ साल वो भटकते रहे, उसके बाद उनको किसी के थ्रू पता लगा कहीं जैन के थ्रू कि माता का दरबार सरहंद में है। तो वो यहाँ आए, अम्बाला में रहते हैं वो, तो हर जागरण में यहाँ मौजूद होते हैं, मिलते हैं हमें। तो कहते हम 40 दिन रोज़ स्कूटर पे या गाड़ी पे रोज़ सुबह आते थे, 6 बजे वहाँ से चलते थे, 7-7:30 यहाँ माँ के दरबार में आना, फूल चढ़ा के जाते थे, और माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद तो उन भक्तों पे हमेशा रहता है जो माँ की शरण में आ जाते हैं। तो उनके घर जो है बहुत सुंदर, जो कहते हैं एक बेटे ने जन्म लिया, बहुत खुश थे, कहते थे हमारा बेटा अब 3-4 साल का हो गया है। तो ये माँ की जो महिमा है, कहाँ वो 12-13 साल से उम्मीद लगाए हुए थे और किसी ने रास्ता दिखाया और जो है वो माँ के दरबार में आ गए और माँ ने मुरादें पूरी कर दी। सो माँ तो जग जननी है, कल्याणी है, वरदानी है, आप मांगो, माँ से झोली फैलाओ, माँ तो भर देती है, बस माँ की यही महिमा है, माँ सब कुछ झोली भर देती है। इसकी बात कर रहे थे तो प्रदीप जी तो कह रहे थे माँ के सच्चे मन से जो भी झोली फैलाता है उसकी मन की कामना, मनोकामना पूरी हो जाती है, इसलिए इस चक्रवेशी माँ को पुत्र रतन की भी कहा गया है कि जब भी कोई पुत्र नहीं होता, किसमें वंश आगे नहीं चलता, तो उस वंश को बढ़ाने के लिए ये चक्रवेशी माता जो है आपका आशीर्वाद उन देती है और उनको वंश बढ़ जाता है। तो आप तो फाइनेंस कहते जी, ट्रस्टी के फाइनेंस हो, इस मंदिर में कोई भी जैसे कहते पैसे के बगैर काम नहीं चल सकता। तो ये इतना भव्य मंदिर आपने बना दिया, जब पहले हम देखा हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं, तो हजारों साल में इसको मेंटेन करना और इतना भव्य मंदिर बनाना, ये कैसे आपके ट्रस्ट ने बनाया? मैं तो ये कहूँगा, ये स्थान माता का खुद निश्चित किया हुआ है। माँ चक्रेश्वरी देवी का सारी दुनिया में सिर्फ एक ही स्थान है सरहंद में, माता चक्रेश्वरी देवी का, जो कि माता ने खुद अपने ही निर्णय से चुनाव किया है इस स्थान का। ये हमारे बुजुर्गों की देन है। 83 को रात का जागरण होता है, 14 को सुबह प्रसाद का द्वार उद्घाटन का और ध्वजा का, उसके बाद आम सभा और गण्यमान्य अतिथियों का स्वागत होता है, उनके विचारों को प्रकट किया है, उनके वो अपने विचार रखते हैं, और पुण्या वाले दिन अगले दिन जो है वो सब लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार यहाँ मुंडन भी करते हैं, क्योंकि पुण्या का दिन जो है वो मुंडन के लिए रखा जाता है। ठीक है, ये स्थान खंडेल वालों का है, जितने भी नॉर्थ इंडिया में 3 स्थान है खंडेल वालों के, जिसमें सर्वप्रथम ये सरहंद है, उसके बाद दादी चौकी का सुनाम में आता है, और दादा माता चंबा का, चंबा देवी का आता है जो नकोदर में है। ये 3 स्थान है, जंबा माता का वो 3 स्थान है जो खंडेल वालों के प्रमुख स्थान है महात्मा माई के लिए, और सबकी मान्यता है ये वो दाती है, जैसे आप कह रहे हो मांगने से, मगर मेरा तो विश्वास है मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मात्र एक दर्शन से। मैंने तो आज तक यहाँ यही पाया है, मैंने कभी माँ से मांगा नहीं, मगर माँ से मेरे को उम्मीद से कहीं ज़्यादा मिला है। वो मैंने अपने बचपन से अपने बुजुर्गों से यही सीखा है, और सीखने की बात नहीं है, मैंने यहाँ देखा भी है कि कहाँ से कहाँ लोग, क्योंकि ये माँ ऐसी है जहाँ मांगने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके दर्शन मात्र से ही आपकी भावना को इस तरह वो पढ़ लेती है, आपकी मनोकामनाएं जो भी आपकी इच्छा हो, मगर आपका मन यहाँ आके शुद्ध होना चाहिए, बस यही है। आपके मन में शुद्ध हो तो कोई इस दरबार में कमी नहीं, मेरा पूर्ण विश्वास है। आप इस दरबार में आइए, दर्शन करिए, मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, ये माँ पढ़ लेगी कि आपको क्या चाहिए, आपको निश्चय ही आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मैं आप सब जितने भी श्रद्धालु हैं,
जितने भी भावना धार्मिक भावना रखते हैं, सबसे मेरा अनुरोध भी है कि एक बार तो इस दरबार पे आके देखिए, एक बार तो इस दरबार पे आके देखिए आपको क्या कुछ मिलता है। आपको इधर उधर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। इस दरबार पे जो मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मेरा अटूट विश्वास है। इस बात के लिए मैं सब जितने भी भगत हैं एक बार जरूर आइए, बार बार आपको आग्रह करता हूँ। हमारी पूरी टीम जिसमें हमारे प्रधान जी, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सब हैं, ये तो एक पद है जो मेरे को कैशियर के जैसे आपने कहा, ये तो एक रूटीन है, एक सेवा का है जो मेरे को समाज ने मौका दिया है। जब तक मौका मिलेगा मैं जरूर सेवा अपने तन मन धन से, अपने सच्चे मन से करूँगा। ये तो रूटीन है, जैसी सेवा मिली है, धन्य हूँ उस महामाई का, धन्य हूँ उस कमेटी का जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा। जहाँ तक होगा मैं सेवा में अग्रसर रहूँगा, अपने सच्चे मन से इस सेवा को करता रहूँगा। धन्यवाद, आप जरूर इस तीर्थ पर आइए, मेरा बार बार बारम्बार आग्रह है आपसे। प्रधान जी, एक जैसे चमत्कार की बात करी है प्रदीप जी ने भी, तो आप भी कोई अपना ऐसा कोई है कुछ जहाँ चमत्कार, क्योंकि लोगों ने सुना बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, आपके ध्यान में भी ऐसा है कोई? मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ, क्योंकि मेरे ही साथ, मेरे परिवार के साथ घटित हुआ है। अच्छा। हम पानीपत में रहते हैं। आप अपनी गाथा सुना? मैं मेरी गाथा अपनी खुद की। सुबह सुबह हम श्रांति इतवार आ रहे थे, मैं और मेरी वाइफ। हमारा ड्राइवर किसी वजह से अपने पर्सनल काम से उलझा हुआ था, तो मैंने किसी दोस्त को फ़ोन करके ड्राइवर बुलाया, मैं शॉर्ट करता हूँ। उन्होंने बाद में बताया भी वो रात को भी ड्यूटी करके आया था, उनिंदा था। तो रास्ते में पानीपत से चलने के बाद लगभग 30-40 किलोमीटर के बाद करनाल क्रॉस कर लिया था हमने, उस ड्राइवर को झपकी आ गई, जो बीच में ऊँचे डिवाइडर बने हुए हैं उसको टकरा के हमारी गाड़ी परली साइड पे छत के बल, मैं और मेरी वाइफ दूसरी साइड पे पलट के 10 फुट 11 फुट 12 फुट गहरी खाई में गिर गई, और वहाँ पर खंबे ट्रांसफार्म लगे हुए थे बिजली से उसके टकरा के। उस सारे सीन में टोटल सिर्फ जो ड्राइवर था बेचारा उसकी बाजू टूटी, मुझे और मेरी वाइफ को खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि हम थरांदा रहे थे और माता रानी का हमने भजन कर रहे थे रस्ते में, तो उसने हमें बचाया। कितना बड़ा ग्रह आया था जो टल गया, ये मेरी आप बीती है और ये सच्चाई है। ये चमत्कारी नहीं तो क्या कहेंगे इसको, फिर बहुत 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 बहुत। तो ये थे माँ चक्रवेश्वरी इस शक्तिपीठ धाम के ट्रस्टी मेंबर, जिन्होंने अपना माँ के इस दरबार के बारे में बताया कि कितनी महिमा है, माँ की महिमा अपरंपार है, वो जगजननी है। और चक्रवेश्वरी मैया के कहते माँ के दरबार आकर आपको मांगने की भी जरूरत नहीं है, माँ खुद ब खुद जानती है। क्योंकि कहते हैं मेरे मन की जानो माता, मेरा दुख पहचानो माता, मेरी बिगड़ी बना दो माता, दरसे ना हो जाऊँ खाली। तो मैया के जो दरबार में आता है कोई खाली नहीं जाता। ये तो चमत्कारी माता है जो जगजननी है, सब कुछ जानती है, आपके मन में सारा कुछ जानती है। अगर मन साफ करके पूरी आस्था के साथ जहाँ जो भी आएगा उसकी मन की मुरादें पूरी होंगी, क्योंकि जिसको इस माता को, इस दरबार को पुत्र रत्न देनी भी माता कहा जाता है। जैसे आपने सुना कि वंश जिसके आगे नहीं चलते, कोई किसी तरह की कोई भूल हो जाती है बड़े बुजुर्गों से या पितरों से, वो भूल भी यहाँ जाकर जो है बख्श देती है महामाई एक बार माथा टेकने से। तो आने वाला जो 18, 19 और 20 का जो त्यौहार, वार्षिक त्यौहार है इनका, आने वाली अक्टूबर में जहाँ जागरण भी होगा, महामाई का दरबार सजेगा, जो भी भक्त जहाँ आएगा उनके मन की मुरादें पूरी होगी, ऐसा जहाँ मान्यता है। इतने हजारों वर्ष पूर्ण ये बड़ा भव्य मंदिर है जो सबके लिए एक चमत्कारी मंदिर है। मैं आत्मा चैनल से सब दर्शकों को यही दरख्वास्त करूँगा कि आने वाले 18, 19 और 20 में सब लोग जहाँ आए और अपने मन की मुरादें पूरी पाएँ और माँ का दर्शन पाएँ। कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा, आत्मा चैनल सरहंद।